हे फ्रेंड्स, मैं हूँ रिजू और आप देख रहे हो जो स्टाइल स्टाइल। तो आज मैंने बनाया है पफ यानी पुफ के साथ एक बन यानी कि जुड़ा हेयर स्टाइल। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। पफ बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं अपनी टेंपल रीजन से अपनी हेयर्स को अलग कर रही हूँ, यानी फ्रंट की हेयर्स को अलग कर रही हूँ। उसके बाद थोड़ा कंघी कर लूँगी, देन जो टेंपल से मैंने हेयर्स सेपरेट की थी यानी अलग की थी, उसको मैं एक रबर बैंड के हेल्प से अच्छे से बांध लूँगी और यहाँ पर मैं बनाऊँगी एक पफ। तो अभी आपको क्या करना है, जो आपका रबर बैंड है उसको बस आगे की ओर ऐसे पुश करनी है। मैं फिर से दिखाऊंगी, आपको बस आगे की ओर ऐसे पुश करनी है, उसके बाद आप क्लिप लगा लेना। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ टिक टेक क्लिप टू सिक्योर माई पफ या पुफ, व्हाटएवर यू नॉट कॉल। उसके बाद आपका पफ रेडी। पीछे के बालों को मैं दो हिस्सों में बांट लूँगी यानी कि टू इक्वल पार्ट्स, और हर एक हिस्सों से मैं बना लूँगी एक एक पोनीटेल। तो गाइस, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोनीटेल। वन मोर थिंग गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। उसके तुरंत बाद एक बेल आइकन यानी घंटी भी दिखेगी, उसको भी क्लिक करना, नहीं तो आप मेरी कोई भी वीडियो नहीं देख पाओगे। दोनों पोनीटेल को एक दूसरे के ऊपर आपको ट्विस्ट करनी होगी जैसे मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही। एंड जब आपका हाथ दर्द करेगा इसको ट्विस्ट करते वक्त, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ऊपर की ओर अपने स्ट्रैंड को ले जानी है और उसके बाद ऊपर ही आपको ट्विस्ट कर लेनी है दोनों स्ट्रैंड को। और उसके बाद बहुत ही सिंपल है, आपका जहाँ पर बेस एरिया है वहाँ पर आप अपने बन बनाइएगा। तो यहाँ पर बस मैं ऐसे आई एम जस्ट रैपिंग इट अराउंड माई बेस एरिया, और उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिप कर लूँगी जुड़ा पिन के हेल्प से। मैं चारों तरफ से अपनी बन को अच्छे से सिक्योर कर लूँगी ताकि ये खुले ना, और उसके बाद मैं अभी दिखाऊँगी इसका फाइनल लुक कैसा आएगा। तो गाइस, ये है इसका फाइनल लुक। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लीव अ लाइक फॉर दिस वीडियो। सो गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।